दोस्तों इस वीडियो में आपसे सैमसंग के EHS64 ईयरफोन के बारे में बात करने वाला हूं और ये ईयरफोन हमें अमेजोन फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाते हैं। इनकी नॉर्मल प्राइस 400 रुपये के आसपास चलती रहती है और कभी कभी हमें 450 रुपये के शो होते हैं, लेकिन सेल वगैरह में आपको 300 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएंगे और मिनिमम प्राइस इनकी 300 रुपये के आसपास ही है। तो मैं इस वीडियो में इनकी 300 रुपये के हिसाब से बात करने वाला हूं आपसे और इस वीडियो में रिन्यूड ईयरफोन की बात करने वाला हूं और रिन्यूड ईयरफोन के ही मैं इसमें सारे शॉट आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में जो आप रिकॉर्डिंग्स देखने वाले हैं वो सारे रिन्यूड ईयरफोन की है। रिन्यूड ईयरफोन की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो उनमें हमें 200 से 250 रुपये के आसपास देखने को मिल जाते हैं ये वाले ईयरफोन EHS64। तो मैंने सारे ईयरफोन 200 से 250 रुपये की प्राइस के हिसाब से ही परचेज किए थे। मैंने ये सारे ईयरफोन्स काफ़ी टाइम तक परचेज किए हैं, आप ऑर्डर लिस्ट देख सकते हैं इस टाइप से ये, और मैं आगे आपको वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। तो जो सारी ईयरफोन है ये मैंने 10 से 15 बार परचेज किए हैं और काफ़ी टाइम परचेज करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सारी पैकेजिंग के मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो उससे आपको बेटर आइडिया लगवाएगा कि आपको रिन्यूड ईयरफोन परचेज करते टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रिन्यूड ईयरफोन में हमें रिन्यूड कंडीशन में प्रोडक्ट देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी हमें प्रोडक्ट का कुछ एक्सेसरी या पार्ट भी मिसिंग देखने को मिलता है। जैसे कि इस वाले ईयरफोन में हमें ईयर टिप मिसिंग देखने को मिली फर्स्ट वाली पैकेजिंग में, और एक में हमें ईयर टिप भी देखने को मिली, और कुछ में हमें प्रोडक्ट में डिफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि हमें बैलेंस साउंड नहीं मिलना और काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। कुछ में हमें वायर की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, कुछ में हमें पुरानी कंडीशन का ईयरफोन देखने को मिल जाता है। तो कहने को तो दोस्तों रिन्यूड होते हैं ये प्रोडक्ट, लेकिन ये पुराने प्रोडक्ट भी हमें बेच दिए जाते हैं सेलर की तरफ से। तो अच्छे से अगर चेकआउट किया जाए तो इस टाइप की गलतियां नहीं होगी, लेकिन अधिकतर केस में मैंने देखी है ये गलतियां हुई है और मैंने आधे से ज्यादा बार जो प्रोडक्ट थे उन्हें रिटर्न भी करवाया था। कुछ प्रोडक्ट हमें रिपर्बिश्ड और रिन्यूड कंडीशन में भी मिले थे, वो हमें 7-8 बार ही देखने को मिला था, उनमें हमें प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी देखने को ही मिली। तो दोस्तों आपको वीडियो का बैकग्राउंड सेम दिख रहा होगा, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है और सेम मॉडल वाला प्रोडक्ट है, तो इस वजह से आप कंफ्यूज ना होए और अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं हमें कुछ ईयरफोन डिफेक्टिव भी मिले और कुछ ईयरफोन काफी रस्टी कंडीशन में भी मिले और पुराने ईयरफोन भी हमें बेच दिए गए हैं सेलर की तरफ से। तो दोस्तों आप जब भी रिन्यूड प्रोडक्ट परचेज करें तो इस बात का ध्यान रखें आपको पुराना प्रोडक्ट नहीं बेच दिया जाए। और दोस्तों रिन्यूड और रिपर्बिश्ड प्रोडक्ट हमें अधिकतर अमेजोन पर अच्छे देखने को मिलते हैं। फ्लिपकार्ट की TooGood.com पर भी हमें रिन्यूड प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर हमें ब्रांडेड ऑप्शन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अमेजोन पर हमें सारे ब्रांडेड ऑप्शन देखने को मिलते हैं अधिकतर, और कुछ प्रोडक्ट हमें लोकल देखने को मिलते हैं। तो अमेजोन को मैं अच्छा कहूंगा। अगर आपके पास अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप है तो आप 500 से कम के अमाउंट को प्रोडक्ट को बिना डिलीवरी चार्ज के परचेज कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे ईयरफोन इसी टाइप से परचेज किए बिना डिलीवरी चार्ज के, और कुछ प्रोडक्ट मैंने ऐड करके भी परचेज किए थे जब मेरी प्राइम मेंबरशिप नहीं थी मेरे पास जब। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप से हमें काफ़ी सारे ईयरफोन अलग अलग टाइप से और अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो को देख के आप दोस्तों आइडिया लगा पा रहे होंगे कि आपको किस टाइप से अवेयर रहने की जरूरत है। तो जब भी आप दोस्तों रिन्यूड प्रोडक्ट परचेज करें तो आप इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट परचेज कर रखे हैं रिन्यूड, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करें। मैंने वहाँ पर जो भी रिन्यूड प्रोडक्ट परचेज किए उनके लिंक दिए हैं और प्लेलिस्ट का भी मैंने लिंक दिया है, ताकि आपको बेटर आइडिया लग जाए कि रिन्यूड प्रोडक्ट में हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर फायदे की बात करूँ तो फायदे में दोस्तों हमें इनमें कम प्राइस में प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, इनमें हमें अधिकतर टाइम अच्छे प्रोडक्ट ही देखने को मिलते हैं और कुछ रेयर केस में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है प्रोडक्ट्स में। लेकिन ये सैमसंग के जो ईयरफोन थे इनमें तो मेरा एक्सपीरियंस 50-50 रहा, तो 50% तो मुझे प्रोडक्ट डिफेक्टिव देखने को मिले और 50% मुझे अच्छे देखने को मिले। और ये EHS64 काफ़ी पुराना मॉडल है सैमसंग का, इसे लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन अभी भी ये ट्रेंडिंग में है। लेकिन दोस्तों आप 400-500 रुपये के हिसाब से इसे परचेज ना करें, आप 300 रुपये में न्यू परचेज कर सकते हैं अगर आपको सैमसंग का ईयरफोन चाहिए, और अगर आपको बेटर ऑप्शन चाहिए तो आप 400-500 रुपये में रियलमी के ईयरफोन परचेज कर सकते हैं। उनमें हमें टोटल ओवरऑल साउंड क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, तो टोटल ओवरऑल 500 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा ईयरफोन है। और दोस्तों आप सैमसंग के ईयरफोन में एक और ऑप्शन पर जा सकते हैं, आप EHS61 भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो सिंपल ईयरफोन आते हैं और अगर आपको सिंपल चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर इनकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी अच्छी है प्राइस के हिसाब से, और प्राइस रेंज के हिसाब से मटेरियल क्वालिटी अच्छी है। तो दोस्तों आप ये डिटेल्स देख सकते हैं रिन्यूड सैमसंग EHS64 की। और अगर इसकी मिनिमम प्राइस की बात करूं तो मिनिमम प्राइस 178 रुपये के आसपास चलती रहती है, जो कि कभी कभी होती है, लक पे डिपेंड करता है, लेकिन 200-250 रुपये के आसपास आपको ये देखने को मिल जाते हैं जब भी ये स्टॉक में आते हैं। तो आप 200-250 रुपये ही परचेज करें रिन्यूड के, और 300 से 350 रुपये के आसपास आपको ये सेल वगैरह में देखने को मिल जाएंगे, और नॉर्मल डेज में आपको ये 400 से ऊपर देखने को मिलेंगे। तो आप 400 से ज़्यादा तो इनके बिल्कुल भी पे न करें, आप 300 से 350 पे कर सकते हैं अगर आपको सैमसंग के ही ईयरफोन चाहिए। इन ईयरफोन को अमेजोन पर 25,000 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है और इसकी टोटल रेटिंग 5 में से 4.2 आई है, तो अच्छी रेटिंग है। अगर मैं फ्लिपकार्ट की रेटिंग की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट पर इसकी रेटिंग 5 में से 4.2 आई है 77,000 लोगों की रेटिंग के हिसाब से। तो रेटिंग काफ़ी अच्छी है ईयरफोन की, और ईयरफोन भी अच्छा है, लेकिन अभी के टाइम पर दोस्तों कॉम्पिटिशन में काफ़ी सारे प्रोडक्ट एंटर हो चुके हैं, तो आप बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं। और इस EHS64 के बारे में अगर मैं अपने फाइनल ओपिनियन की बात करूं तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं 250-300 रुपये के हिसाब से, आप रिन्यूड भी देख सकते हैं, और 300 रुपये के हिसाब से अगर आपको सैमसंग की ईयरफोन चाहिए तो आप इन्हें देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर ऑप्शन पर जा सकते हैं तो आप दूसरे ऑप्शन पर जाएं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप भी सैमसंग की EHS64 ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें।